الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم نية المؤمن خير من عمله يعني मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हसूल सवाब के लिए अल्लाह अल्लाजल की रज़ा के लिए और उसके प्यारे हबीब की रजा के लिए बयान करूँगा हत्यामकान बेजा इधर उधर देखने से अपने आप को बचाऊँगा एड कलीमत करूँगा आप भी हो सके तो चंद नीयतें कर लें कि जितनी नीयतें ज़्यादा होंगी इनशालाजल उतना सवाब ज़्यादा होगा आप चाहें तो ये नीयतें कर लें कि इनशा जवाजल दो जानू बैठे बतव् इनशा जवाजल बयान सुनूँगा इधर उधर नहीं देखूँगा रज़ाजल के लिए बयान सुनूंगा मुमकिन हुआ तो इनशाजल इसके निकात नोट भी करूंगा. करूँगा व तला महम्मद वबारक वसल इनशालाजवजल अमीर दामत बरकातहुम अल आलिया का रिसाला बनाम खामोश शहज़ादा सुनेंगे और इसकी बरकतें समेटेंगे और इस पर अमल करते हुए अपने आप को फजूल गोई वगैरह की आफात से बचाएंगे रसूल नज़ीर सिराज मुनिर महबूब रब कदीर सल्ला वसल्लम का फरमान दिल पजीर जिक्रही की कसरत करना और मुझ पर दुरुद पाक पढ़ना फख्र यानी तंगदस्ती को दूर करता है हबीब सल्लाहमदही वार्ल शहज़ादे ने यकायक चुप साध ली बादशाह और वजरा और तमाम दरबारी हैरान हैं कि आखिर इसको क्या हो गया है जो बोलता ही नहीं सबने कोशिश कर देखी लेकिन शहजादा खामोश था खामोश ही रहा खामोशी के बावजूद शहजादे के मामूलात में कोई फर्क नहीं आया एक दिन खामोश शहजादा अपने साथियों के हमराह परिंदों का शिकार खेलने चला कमान पर तीर चढ़ाए एक घने दरख्त के नीचे खड़ा उसमें परिंदा तलाश कर रहा था इतने में दरख्त के पत्तों के झुंड के अंदर से किसी परिंदे के बोलने की आवाज आई बस फिर क्या था उसने फौरन आवाज की सम्त तीर चला दिया और देखते ही देखते एक परिंदा जख्मी होकर गिरा और तड़पने लगा खामोश शहजादा बेअ्तियार बोल उठा परिंदा जब तक खामोश था सलामत रहा मगर बोलते ही तीर का निशाना बन गया और अफसोस उसके बोलने के सबब मैं भी बोल पड़ा चुप रहने में सो सुख है तू ये तजर्बा कर ले ए भाई जबा पर तो लगा कुफले मदीना मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन ये नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि ने शख्स दूसरों को बोलने पर मजबूर कर देता अपना और दीगर अफराद का वक्त बर्बाद करता कई बार बोलकर पछताता और बारहा परेशानी उठाता है वाकई इंसान जब तक खामोश रहता है बहुत सारी आफतों से अमन में रहता है कहते हैं बहराम किसी दरख्त के नीचे बैठा था उसे एक परिंदे की आवाज सुनाई दी और उसने उसे मार गिराया फिर कहने लगा जबान की हिफाजत इंसान और परिंदे दोनों के लिए मुफीद है अगर ये परिंदा अपनी जबान संभाल था तो हलाक ना होता अमीर अहला दावत बरका तो मोला इसके बाद खामोशी की फजीलत पर चार फराम मुस्तफा नकल फरमाते हैं। नंबर एक मन सामाता नजा यानी जो चुप रहा उसने नजात पाई नंबर दो असमतु तो अखलाक खामोशी अखलाक की सरदार है नंबर तीन असम तो और फौल इबादा खामोशी आला दर्जे की इबादत है और नंबर चार आदमी का खामोशी पर कायम रहना साठ साल की इबादत से बेहतर है मुफसर शहीर हकीम अलमद मुफ्ती अहमद यार ख़ान अली रहमतान इसके तहत फरमाते हैं यानी अगर कोई शख्स साठ साल की इबादत करे मगर ज़्यादा बातें भी करे अच्छी बुरी बात में तमीज़ ना करे इससे ये बेहतर है कि थोड़ी देर खामोश रहे क्योंकि खामोशी में फिक्र भी हुई नफ्स भी व हक में इसतराक भी जिक्र खफी के समुद्र में गोता लगाना भी और मुराकबा भी गप शप करने वाले बात का बतंगड़ बनाने वाले बल्कि फजूल बात चूंकि जायज है गुना नहीं ये सोचकर या वैसे ही जो कभी कभार फजूल बातें करते हैं वो भी फजूल बातों के मुतालिक मुतिक हजरत अस््लाम हजरत सैदा अबू हामिद महमद बिन महमद बिन महम्मद गजाली अरे रहा वाली के तसरा मुलाजा फरमाएं और अपने आप को फजूल गुफ्तगू के इन चार नुकसान से डराएं आप रहमत तार वजूहत की बिना पर फजू बातों की मसम्मत फरमाई फजूल बातें किरामन का तबीन यानी आमाल लिखने वाले बुजुर्ग फरिश्तों को लिखनी पड़ती हैं लिहाज आदमी को चाहिए कि इनसे शर्म करे और इन्हें फजूल बातें लिखने की जहमत न दे अल्लाहल पारा छब्बीस सूरह क़ाफ़, आयत नंबर अठारह में शाद फरमाता है मा कोई बात वह जबान से नहीं निकालता कि इसके पास एक मुहाफिज तैयार ना बैठा हो नंबर दो यह बात अच्छी नहीं कि फजूल बातों से भरपूर आमाल नामा अल्लाह की बारगाह में पेश हो नंबर तीन अल्लाह के दरबार में तमाम मखलूक के सामने बंदे को हुक्म होगा कि अपना आमाल नामा पढ़कर सुनाओ अब की ख़ौफ़नाक सामने इंसान बरहना होगा सख्त प्यासा होगा भूख से कमर टूट रही होगी जन्नत जाने से रोक दिया गया होगा, और हर किस्म की राहत उस पर बंद कर दी गई होगी गौर तो कीजिए ऐसे तकलीफ हालात में फजूल बातों से भरपूर आमाल पढ़कर सुनाना किस कदर परेशान कुन होगा हिसाब लगाइए अगर रोजाना सिर्फ पंद्रह मिनट भी फजूल बातें की हैं तो एक महीने के साढ़े सात घंटे हुए और एक साल के नब्बे घंटे बिलफर्ज किसी ने पचास साल तक रोजाना औसतन पंद्रह मिनट फजूल गुफ्तगु की एक तो सौ दिन 12 घंटे हुए यानी छ माह से तो फरमाइए, क्यामत का होलनाक दिन जिसमें सूरज से सवा मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा ऐसी होशुबा गर्मी में मुसलसल बिला वक्फा छह माह तक कौन आमाल नामा पढ़कर सुना सकेगा और ये तो सिर्फ योमिया पंद्रह मिनट की फजूल गोई का हिसाब है वरना हमारे तो बसा औकात कई कई घंटे दोस्तों के साथ फजूल गप में गुजर जाते हैं और फिर मजीद ये चुनाव भरी बातें और दीगर चार, नोसे क्यामत बंदे को फजूल बातों पर मलामत की जाएगी और उसको शर्मिंदा किया जाएगा बंदे के पास इसका कोई जवाब ना होगा और वो अल्लाह अल्लाहल के सामने शर्म से पानी पानी हो जाएगा हर लफ्ज़ का, का किस तरह आ हमें, आ आ हमें दूंगा अल्लाह जबा का, जबा का, का दौँआ दौँआ। कुफले मदीना सुफियान बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं एक बार मैंने बार का में आरज की यारसोल्ला आप मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह चीज किसे करार देते हैं तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान मुबारक पकड़कर इर्शाद फरमाया इससे काश बुखारी शरीफ की यह हदीस पाक हमारे जहन दिमाग में रासिक हो जाए जिसमें यह भी है मन का नब्लाउम आखिर फल खईरन यानी जो अल्लाह और क्यामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या खामोश रहे दावत इस्लामी के मकतबुलमीना की मतबुआ दो सौ सत्रह सफात और मुश्तमिल किताब अल्लाह वालों की बातें इक्नवे पर अमीर हजरत सद सिद्दी के अकबर तार फरमाते हैं उस बात में कोई भलाई नहीं जिससे मकसूद अल्लाह अल्लाहल की खुशनुदी ना हो। हज़रत होरत इमाम सुफियान सौरी ने फरमाया, इबादत का अवल खामोशी होती है फिर इल्मिल करना इसके बाद इसे याद करना फिर इस पर अमल करना और इसे फैलाना हजरत सदन ईसा रूह नबी जीना वाली सलाम की खिदमत बामत में लोगों ने अर्ज किया कोई ऐसा अमल बताइए कि जिससे जन्नत मिले इशाद फरमाया कभी बोलो मत अर्ज की ये तो नहीं हो सकता फरमाया अच्छी बात के सिवा जबान से कुछ मत निकालो अक्सर मेरे होटो पे रहे जिक्र मदीना अक्सर मेरे होटो पे रहे जिक्र मदीना मदीना, के की 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 ज़बान कैंची तरह तरह हर किसी की बात बात काटती चली जाती होगी, वो दूसरे की बात अच्छी तरह से रहेगा, बल्कि के लिए ये भी खतरा रहता है कि बक बक करते हुए जबान से माज अल्लाह कुफरियात निकल जाए चुनाज हजरत अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली बुजुर्गों का नकल करते हुए फरमाते हैं खामोश रहने वाले शख्स में दो खूबियां जमा हो जाती है, एक, उसका दीन सलामत रहता है। और नंबर दो दूसरे की बात अच्छी तरह समझ लेता है बिन ने फरमाया जईन आलिम जाहिल खामोशी आलिम का वक़ार और जाहिल का परदा हैजरत सफिया रहमदान से मरवी ज्यादा खामोशी इबादत की चाबी है हजरत सैदान मोहम्मद हमतुल्ल ने हजरत मालिक बिन दीना रहा से फरमाया इंसान के लिए जबान की हिफाजत माल की हिफाजत से ज्यादा दुशवार है कि इंसान के लिए जबान की हिफाजत माल की हिफाजत से ज्यादा दुशवार है और अफसोस कि अपने माल की हिफाजत के मामले में उमूमन हर एक होशियार होता है हालांकि माल जाया हो भी गया तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही का नुकसान है सद करोड़ अफसोस जबान की हिफाजत की सोच निहायत कम रह गई है यकीन जबान की हिफाजत ना करने के सबब दुनिया के नुकसान के साथ साथ आखिरत की बर्बादी का भी पूरा पूरा इम्कान है बक बक की यह आदत न सरे हश्र फसा दे अल्लाह जबा का हुआ अता कुफले मदीना सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अहलाल उलूम में हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने एक जबान दराज औरत देखी तो फरमाया अगर ये गूंगी होती तो इसके हक में बेहतर था प्यारे प्यारा आकाशल्ला के मीठे मीठे रौदी के सहाबीद से खसूस हमारी वो इस्लाई बहने दर्श हासिल करें जो हर वक्त लगाई बुझाई और तेरी मेरी में मगन रहती और इधर की उधर और उधर की इधर लगाने से फुर्सत नहीं पाती अगर इस्लामी बहनें सही मानों में अपनी जबान पर कुफले मदीना लगा लें तो उनकी घरेलू परेशानियां रिश्तेदारों से नाचा किया और सास बहू की लड़ाइयां वगैरह बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं और सारे का सारा खानदान अमन का गहवारा बन जाए क्योंकि ज्यादातर घरेलू झगड़े जबान के बेजा इस्तेमाल ही के सबब होते हैं इसी तरह वो इस्लामी भाई भी कुफले मदीना लगा लें कि जो इन मानों कर इस्लामी बहनों के मुशाबे होते हैं अमीर सुन्नत दामद बरकत मनिया इस्लामी बहनों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं सास अगर डांट डबट करती हो तो बहू को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ सब्र करे अपनी सास को जवाबन एक लफ्ज़ भी ना कहे और अपने शोहर को भी शिकायत ना करे अपने मेके में भी कुछ ना बताए बल्कि मुंह भी ना चढ़ाए नीज, अपने बच्चों या बर्तनों वगैरह पर भी गुस्सा ना निकाले इन शाह कामयाबी उसके कदम चूम लेगी। कहा जाता है एक चुप सो को हराए इसी तरह अगर कोई बहू अपनी सास से झगड़ा करती हो तो सास को चाहिए कि बिल्कुल जवाबी कार्रवाई ना करे सिर्फ खामोशी इख्तियार करे घर के किसी फर्द हत्या के अपने बेटे को भी शिकायत ना करे इन शाह कहावत एक चुप सो सुख के मुताबिक सुख चैन पाएगी जी हां अगर सही मानों में अमीर अल सुन्नत के इस मदनी नुस्खे पर अमल किया गया तो इन शाजल जल्द ही सास बहू की लड़ाई खत्म हो जाएगी और घर अमन का गहवारा बन जाएगा मीठे मीठे स्लाइम भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन जब जबान सीधी रहेगी और इससे अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला होगा तो इसका फायदा सारा जिस्म ही उठाएगा और अगर ये टेढ़ी चली मसलन किसी को झिड़का गाली दी किसी की बेइज्जती कर दी गीबत और चुगली की झूठ बोला तो बसा औकात दुनिया में भी जिस्म की पिटाई हो जाती है हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे और सबसे अच्छे और खुश अखलाक आका सल सल्लाम का फरमा ने बासफा है जब इंसान सुबह करता है तो उसके आजाद झुक कर जबान से कहते हैं हमारे बारे में अल्लाह से डर क्योंकि हम तुझ से वाबस्ता हैं। अगर तू सीधी रहेगी तो हम भी सीधे रहेंगे और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे यार ना जरूरत के सिवा कुछ कभी बोलू अल्लाह जबा का हुआ था

ये उसके लिए है जो अच्छी गुफ्तगू करे खाना खिलाए मतावते रोजे रखे और रात को उठकर अल्लाह अज्ज के लिए नमाज पढ़े जब लोग सोए हुए हों और हमारे प्यारे पैगंबर अक्रा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो तवील खामोशी वाले थे कहा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तवील यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु व

अल्लाह के जिक्र में तर रहती थी लोगों से बिना जरूरत कलाम नहीं फरमाते थे जिक्र है नाजायज कलाम, ना कलाम का तो उम्र भर जबान शरीफ पर आया ही नहीं और झूठ गिबत चुगली वगैरह सारी उम्र शरीफ में एक बार भी जबान पर ना आए

और खामोश रहना बुरी बात कहने से बेहतर है हज़रत महजूब में फरमाते हैं कलाम यानी बोलना दो तरह का होता है एक कलाम हक और दूसरा कलाम बातिल इसी तरह खामोशी भी दो तरह की होती है मकसद मसलन फिक्र आखरत या शरीर गौर वोश वगैरह के लिए खामोशी यानी चुप रहना और नंबर दो गफलत भरी या माजल्ला गंदे तस्वुरा या दुनिया के बेजा ख्याल से भरपूर खामोशी हर शख्स को सुकूत यानी खामोशी की हालत में खूब अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए कि अगर इसका बोलना हक है तो बोलना उसकी खामोशी से बेहतर है और अगर उसका बोलना बातिल है तो उसकी खामोशी उसके बोलने से बेहतर है दाता गुफ्त गुफ्तगू के हक तो या बातिल होने के मुतालिक समझाने के लिए एक हकायत नकल करते हुए फरमाते हैं। एक मरतबा हजरत सैद अबू बकर शिबली बगदादी रम्ह बगदाद शरीफ के एक मोहल्ला से गुजरते हुए एक शख्स को सुना वो कह रहा था असुकूत खैर कलाम यानी खामोशी बोलने से बेहतर है आप रहमत ने इसे फरमाया तेरे बोलने से तेरा खामोश रहना अच्छा है और मेरा बोलना खामोश रहने से बेहतर है कितने खुशनसीब वो इस्लाई भाई और इस्लाई बहनें जो सिर्फ अच्छी गुफ्तगु के लिए ही जबान हरकत में लाते और खूब खूब नेकी की दावत लोगों तक पहुंचाते हैं। अफसोस आज कल लोगों की बहुत ही कम बैठकें ऐसी होती होंगी जो फौश बातों से पाक हों, हती के मजहबी वजाकता के अफराद भी इससे बच नहीं पाते शायद इन्हें यही नहीं पता होता कि फौश बात किसे कहते हैं तो सुनिए फौश बात की तारीफ यह है अताबिर अनिल उमोर मुस्तबहती बिल इबारात सरीहा यानी शर्मनाक उमोर मसलन गंदे और बुरे मामला का खुले अल्फाज में तस्करा करना तो वो नौजवान जो शहबत के तस्कीन की खातिर खामा का शादियों की खलबतों और पर्दे में रखने वाली बातों के किस्से छेड़ते हैं नीस फौश यानी बेहयाई की बातें करने वाले बल्कि सिर्फ सुनकर दिल बहलाने वाले गंदी गालियां ज़बान पर लाने वाले बेशर्माना इशारे करने वाले इन गंदे इशारों से लुत्फानंदोज होने वाले और गंदी लज्जतों के हुसूल की खातिर फिल्में ड्रामे के इनमें में मुमन बेहयाई की भरमार होती है देखने वाले एक दिल हिला देने वाली रिवायत सुने और खौफे खुदा बंदी से लर्जें चुनाच होंगे, इनमें से एक शख्स वो के उसके मुंह से खून पीप दे रहा होगा जहन्नमी कहेंगे इस बदबक को क्या हुआ कि हमारी तकलीफ में इजाफा किए देता है कहा जाएगा ये बदबक बुरी और खबीस यानी गंदी बात की तरफ मुतवजे होकर उससे लज्जत उठाता था, था जैसा कि जिम्ह की बातों से गैर औरतों या अमृतों के बारे में आने वाले गंदे वजो जमाने जान बूझ कर बुरे ख्याल में खुद को घुमाने और मज़ल्ला गंदी हरकत के तस्वर के जरिए लज्जत उठाने वालों को बयान करदा रिवायत से इबरत हासिल करनी चाहिए

का बाकरीना है। उस जन्नत हराम में जो फोश गोई यानी से काम लेता है अल्लाह हमें फोश गोई से महफूज रखे आमीन अब आई, आई आपकी बारगाह में सात मदनी फूलों का फारो की गुलदस्ता पेश करता हूं जो कि अमीर सुन्नत ने इसमें तहरीर फरमाए

इबादत में लज्जत दी जाती है फजूल हंसने से बचने वाले को रोब दब दबा इनायत होता है मजाक मस्करी से बचने वाले को नूर ईमान नसीब होता है दुनिया की मोहब्बत से बचने वाले को आखिरत की मोहब्बत दी जाती है दूसरों के ऐब ढूंढने से बचने वाले को अपने ऐबों की इसलाह की तोफीक मिलती है अमीर ने सुन्नत दामद बड़का तुमालिया की ख्वाहिश है कि एक काश ऐसा हो जाए कि हर इस्लामी बहन और इस्लामी भाई हर मदनी माह के पहले पीर शरीफ

फौरन एक या तीन बार दुरूर शरीफ पढ़ने का मामूल बना लीजिए तो कौन कौन इस्लाब नियत करता है कि इन मदनी माँ की पहली पीर शरी रिसाला पढ़ेंगे माशा अल्लाह ताला आपकी नियत कबूल फरमाए और इस पर अमल करना आसान फरमाए हमारे मीठे में डाक मक्की मदनी मुस्तफा सल्ला अल्लाहद से लोगों को देख कर ही पहचान लेते थे कि ये जन्नती है या जहन्नमी। बल्कि आने वाले की पहले ही से खबर हो जाती कि वो जन्नती है या दो सखी चुना के अल्लाह के महबूब दाना गयूब ने शाह फरमाया जो शख्स सबसे पहले इस दरवाजे से दाखिल होगा वह जन्नति होगा इतने में हज़रत हजत अब्दुल्ला बिन सलाम रौदी दरवाजे से दाखिल हुए लोगों ने इनको मुबारकबाद दरियाफ्त किया अब्दुल्ला बिन सलाम रौदी अल्लाह ने फरमाया मेरा अमल बहुत ही थोड़ा है और जिसकी मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं वो मेरे सीने के सलामती और बेमकसद बातों को छोड़ना है इस हदीस पाक के अल्फाज सलामत सदर, यानी सीने की सलामती से मुराद दिल का लगवियात यानी बेहुदा और हसद वगैरह अमराज बातनी यासे पाक होना और दिल में ईमान का मजबूत मस्तकम होना है रफ्तार का गुफ्तार का किरदार का दे दे हर उज्म का, का दे मुझको दे खुदा।, खुदा।, खुदा कुफल मदीना सल्लु अल हबीबुल्ला सल्लु अल हबीब मीठे मीठे स्नाई भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन फजल बातें अगरचि गुना नहीं हम इसमें कोई भलाई भी नहीं सुबह अल्लाह हजरत सयदन अब्दुल्ला बिन सलाम रनो को जबान रिसाल से दुनिया ही में जन्नत की बिशारत इनायत हो गई आप रौदुल्ला उतारण में एक खूबी यह भी थी कि कभी फजूल बातों में नहीं पढ़ते थे जिस काम से वास्ता ना होता उसके बारे में पूछते तक नहीं थे लेकिन अफसोस हमारा जिन मामला से दूर का भी ताल्लुक नहीं होता फिर भी उसके मुतालिक बेजा सवालत करते ही रहते हैं मसलन ये कितने में लिया वो कितने में मिला फुला जगह प्लाट का क्या भाव चल रहा है किसी के अगर मकान में गए या किसी ने अगर नया मकान लिया तो सवाल होता है कितने का लिया कितने कमरे? किराया कितना है फिर मजीदे के पूछते हैं मकान मालिक कैसा है और ये सवाल कि मकान मालिक कैसा है अक्सर माजल्ला गीबत तहमत का दरवाज़ा खोलने का सबब बन जाता है क्योंकि इसका जवाब अमूमन बिला इजाजत शराइ कुछ इस तरह गुनाह भरा मिलता है हमारा मकान मालिक बहुत सख्त मिजाज बेरहम टेढ़ा खोचड़ा हर दिमाग वायड़ा कंजूस है वगैरह वगैरह इसी तरह जब कोई नई दुकान कार या स्कूटर वगैरह खरीदे तो वजह खरीदने वाले से इसका भाव पायदारी नकद उधार किस्तों वगैरह से मुताल सवाल किए जाते हैं बेचारा मरीज जिससे बोला तक नहीं जाता इससे भी बास आयादत करने वाले नादान इंसान जैसे डॉक्टरों के भी डॉक्टर यूं पूरा हिसाब लेते और सब तफस मालूम करते हैं यहाँ तक कि एक्सरे और लेबॉटरी की कारदगी भी वसूल करते हैं और अगर बेचारे का ऑपरेशन हुआ हो तो बिला वजह सवालत के जरिए टांकों की तादाद तक पूछ लेते हैं हती के शर्म की जगह का मसला हो तब भी बास बेशर्म उसका तफसी एहतसाब करते हुए नहीं शर्माते इस तरह की फसूलियात में औरत भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रहती इसी तरह गर्मी या सर्दी के मौसम में इसकी कमी ज्यादा के मौके पर बिला हाजत बातें होती हैं मसलन गर्मी के मौसम में बास फजुल उफ उफ करते हुए कहेंगे एक तो आजकल गर्मी बड़ी सख्त है और ऊपर से बिजली भी बार बार चली जाती है इसी तरह सर्दियों में अदाकारी के साथ दांत बचाते हुए कहेंगे आज तो बहुत कड़ाके सर्दी है अगर बारिश का मौसम है तो बिला जरूरत इस पर ही तबसरा क्या रहता है, है। मसलन आजकल तो बारिशें बहुत हो रही हैं हर तरफ पानी खड़ा हो गया इंतजामिया कीचड़ साफ करवाने का को को कोई ख्याल नहीं करती वगैरह वगैरह इसी तरह मुल्की और सियासी हालात पर बिला नीत इस बेजा तबसरे सियासी पार्टियों पर बिला वजह तनकी किसी शहर या मुल्क का सफर क्या है तो वहां के पहाड़ों और सबजादारों की गैर जरूरी मंजर कशी मकानों और सड़कों की तफसीरात का बिला जरूरत बयान वगैरह वगैरह तो यह सब फजूल गोई नहीं तो और क्या है अलबत ये याद रहे कि मस्कुरा उमूर के बारे में अगर हम किसी को बातें करता हुआ पाए तो अपने आप को बदगुमाने से बचाएं क्योंकि बाज औका जाहिर दुनियावी बातें भी अच्छी नीयत के बायस सवाब हो जाती हैं या कम अज कम फजूलियात में नहीं रहती अच्छा ये जहन में रहे कि फजूल बोलना गुना नहीं मगर फजूल गोई सिर्फ उस वक्त है जबकि बिला कमो कास्त और सही सही बयान करे अगर झूठे मुबालक किए तो गुनाहों की खाई में जा गिरा तशवीश की बात यह है कि इस तरह की गुफ्तु नाप तोल कर दुरुस्त बयान करना कि फजूल गोई की हद से आगे ना बढ़े ये बहुत ही मुश्किल अम्र होता है अक्सर झूठे मुबालगे हो ही जाते हैं फजूल को तोहमतो ऐब दरियों और दिल आजारियों वगैरह के दलदल में भी जा पड़ता है लिहाजा आफियत चुप रहने ही में है कि एक डु, डु। एक चुड, एक चुप, 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 कुफले मदीना मदीना किस तरह लगाए जाए उसे क्या तरीके कार तो ये इनशाला जब जल्द इस रिसाले से अब आपकी बारगाह में पेश करूंगा जिससे ब़ौर सुनने की अल्तजा वाकई अगर कोई इंसान बोलने से कबल तोलने यानी गौर करने की आदत डाले तो उससे अपनी बेशुमार फजूल बातें खुद ही महसूस होनी शुरू हो जाएं सिर्फ फजूल बातें हो तो अगरचे गुना नहीं मगर कई तरह के नुकसान इनमें मौजूद हैं मसला इन बातों में जबान चलाने की सहमत होती और कीमती वक्त बर्बाद होता है अगर उतनी देर जिक्र या दीनी मताल कर लिया जाए या कोई सुन्नत बयान कर दी जाए तो सवाब का अंबार लग जाए इसी तरह माजल्ला कहीं दहशत गर्दी की वारदात हो गई तो बस लोगों को फजूल बल के बाद सूरतों में गुनाहों भरी बहस के लिए एक मौसु ही हाथ आ गया हर जगह उसी का तस्करा बेसरों पर क्या बेतुके तबसरे अटकल से किसी भी पार्टी या लीडर वगैरह पर तहमत लगा देना वगैरह अमीर सुन्नत यहाँ फरमाते हैं कि अक्सर ये गुफ्तु फजूली नहीं बल्कि लोगों में खौफो हरास फैलने का बायस भी है और अफवाहें गर्म होने का सबब और हंगामे बर्पा होने की वजह भी धमाकों और दहशत गर्दियों की वारदातें सुनने सुनाने में नफ्स को बेानतहा दिलचस्पी होती है बसा अवकात लब पर अल्फाज होते हैं मगर कल्ब की गहराइयों में सनसनी खेज खबरें सुनने सुनाने के जरिए हफ यानी मज़े उठाने और लुत्फ लुफानंदोज होने का जज्बा छुपा होता है काश नफ्स की इस शरारत पहचानते हुए हम दहशत गर्दियों और धमाकों के तस्करों में दिलचस्पी लेने से बाज आ जाए हाँ मजलूमाना शहादत पाने वालों जख्मियों और मुसलमानों की हमदर्दियों, ख़िदमतों और अमनों सलामती की दुआओं से गुरेज न किया जाए कि ये सवाब के काम हैं बस जब भी इस तरह की गुफ्तु करने सुनने की सूरत पैदा हो तो अपने दिल पर गौर कर लेना चाहिए कि नियत क्या है अगर अच्छी नियत पाए तो उमदा और बहुत उमदा है मगर अक्सर इस किस्म की गुफ्तगू का हासिल सनसनी से लुफानंदोज ही पाया जाता है याद रखिए कि जबान अल्लाहल की अजीम नमत है इसके बारे में भी क्यामत के रोज सवाल होना है लिहाजा इसका हर गिज बेजा इस्तेमाल ना किया जाए सिद्दीक अकबर रौदी जन्नती होने के बावजूद जबान की आफतों से बेहद मोहतात रहा करते थे में, सिद्दीक अपने मुबारक मुंह में पत्थर रख लिया करते थे ताकि बात करने का मौका ही ना रहे रख लेते थे पत्थर सुन अबू बकर दहन, दहन में ए भाई जबा पर तो लगा, लगा, लगा कुफले मदीना कुछ भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन अगर आप वाकई खामोशी की आदत बनाना चाहते हैं तो इस पर संजीदगी से गौर करना होगा और खूब मश्क करनी पड़ेगी वरना सरसरी कोशिश से जबान पर कुफले मदीना लगना दुश्वार है। जबान के बेजा इस्तेमाल की तबाह क्यों से खुद को डराते हुए खामोशी की आदत बनाने की भरपूर साई फरमाइए इन शजावल कामयाबी आपके कदम चूमेगी अमीर सुन्नत मजीद फरमाते हैं मगर कोशिश इस्तकामत के साथ होनी चाहिए इनशाजा व कोशिश इस्तकामत के साथ होगी तो इनशाला इसकी बरकत भी जाहिर होगी और हम इसमें कामयाब भी हो जाएंगे आइए एक कोशिश करने वाले की इस्तकामत की हिकायत सुनते हैं हजरत सदना अर्ता बिन मुनिर फरमाते हैं एक शख्स चालीस साल तक खामोश रहने की इस तरह मश्क करता रहा कि अपने मुंह में पत्थर रखता यहाँ तक कि खाने या पीने या सोने के अलावा वो पत्थर मुंह से ना निकलता। याद रहे पत्थर इतना छोटा ना हो कि हल्क से नीचे उतरकर किसी बड़ी मुश्किल में डाल दे नीज रोजे की हालत में मुंह में पत्थर ना रखा जाए इसकी मिट्टी वगैरह हल्क में जा सकती है तस्करा फरमाते गुफ्तगु लिख कर मुहासबा करते थे हजरत सैद रबी बिन हु करीम ने बीस साल तक दुनियावी बात जबान से नहीं की जब सुबह होती तो कलम दबाव और कागज़ ले लेते और दिन भर जो बोलते उसे लिख लेते और शाम उस लिखे हुए के मुताबिक अपना मुहासबा फरमाते अपना मुहासबा करने से मुराद यहाँ ये यह है कि अपनी हर हर बात पर गौर करके अपने आप से बास पुरुष करना मसलन फुला बात क्यों की उस मकाम पर बोलने की क्या हाजत थी फना गुफ्तु इतने अल्फाज में भी निमटाई जा सकती थी मगर इसमें फुला फुना, फुना लफ्जायद क्यों बोले फना से जो जुमला तुमने कहा वो शराय इजाजत से ना था बल्कि दिल आजार तंज था उसका दिल दुखा होगा अब चलो तोबा भी करो और उस इस्लामी भाई से माफी भी मांगो उस बैठक में क्यों गए जबकि मालूम है कि वहां फजूल बातें भी होती हैं। और फला बाद बात में तुमने हाँ में हां क्यों मिलाई थी वहां तुम्हें खीबत भी सुननी पड़ गई थी बल्कि तुमने खीबत सुनने में दिलचस्पी भी ली थी चलो पक्की तोबा और ऐसी बैठकों से दूर रहने का अहद करो इस तरह समझदार आदमी अपनी गुफ्तु बल्कि रोजमर्रा के जुमला मामला मुहासबा कर सकता है यूं गुनाह बेहतियातियां अपनी बहुत सारी कमजोरियां और खामियां सामने आ सकती और इस्लाह का सामान हो सकता है दावत इस्लामी के मदरी माहौल में मुहासबे को फिक्र मदीना कहते हैं और दावत इस्लामी में रोजाना कम अज कम बारह मिनट फिक्र मदीना करने और इस दौरान मदनी इन का रिसाला पुर करने का जहन दिया जाता है जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे जबा रहे मेरी फसूल गोई की आदत निकाल दो हजरत सैदन अबू अब्दुल्ला और रमत फरमाते हैं कि मैंने सुना कि एक आलिम साहिब हजरत सदन ओमर बिन सामने कहने लगे खामोश आलिम भी बोलने वाले आलिम ही की तरह होता है फरमाया मैं समझता हूं कि बोलने वाला क्यामत के दिन चुप रहने वाले आलिम से अफजल होगा इसलिए बोलने वाले का नफा लोगों को पहुंचता है जबकि चुप रहने वाले को सिर्फ जाती फायदा मिलता है वो आलिम साहब बोले या अमीर आमिर क्या आप बोलने के फितनों से ना वाकिफ हैं उमर बिन अब्दुल अजीज रौदी हो यह सुनकर शदीद यानी फूट फूट कर रोए अल्लाह की उन पर रहमत हो उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मत हो मिठेस भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन हमारे बुजुर्गों की एहतियातें और जज्बा खौफ खुदा मरहबा इस बात में कोई शक नहीं कि मोहतात उमय दीन का वाज व नसीहत फरमाना शर्काम बताना मुबलिन का सुनतों भरा बयान करना नेकी की दावत देना खामोशी के मुकाबले में अफजल तरीन अमल है मगर उन आलिम का बिन अब्दुल की बारगाह में बतौर तंबीह भी यह अर्ज करना कि क्या आप बोलने के फितनों से ना वाकिफ हैं अपनी जगह दुरुस्त और अमीर रौदी का खौफ खुदा से जारो रोना भी उन आलिम रब्बानी के इस फकरे की तह तक पहुंचने की वजह से था वाकई अच्छा बोलना अगरचे के मखलूक के लिए नफा बख्शे लेकिन खुद बोलने वाले के लिए इसमें कई फसादात के खतरात भी मौजूद हैं मसला अगर अच्छा मुबलग है तो अपनी फसाहत व बलागत और गुफ्तगू की रवानी पर दूसरों की तरफ से मिलने वाली दादो तहसीन के सबब या सिर्फ अपनी सलाहियत पर घमंड के बायस या अपने आप को कुछ समझने और दूसरों को हकीर जानने या सिर्फ नफसानियत की वजह से दूसरों पर धाक बिठाने और अपनी वाह वाह करवाने की खातिर खूब मुहावरा और उम्दा फकर वगैरह की तरकीबें करते रहने इसके लिए अदक यानी मुश्किल या खूबसूरत अल्फाज बोलने वगैरह वगैरह के फितरों में पड़ सकता है अगर अरबी बोल चाल पर उबर हुआ तो बातों बयान में तो अपनी अरबी दानी का सिक्का जमाने की खातिर खूब अरबी मकौलों वगैरह के इस्तेमाल के फितने में मुबतला हो सकता है इसी तरह जिसकी आवाज अच्छी हो वो भी खतरों में गिरा रहता है चूंकि लोग अक्सर ऐसों की तारीफ करते हैं जिस पर फूल कर उसके मगरूर हो जाने अच्छी आवाज को अति खुदाबंदी यानी अल्लाह अल्ला की अता समझने के बजाय अपना कमाल समझ बैठने वगैरह गलतियों का खदशा रहता है तो उन आलिम रब्बानी की बोलने के मुतालिक तंबी बजा है और वाकई जो मुबलिक मजकूरा मजमूम सिफात रखता हो उसका बोलना उसके अपने हक में बहुत बड़ा फितना और बर्बादी आखिरत का सामान है अगरचे मखलूकों से नफा पहुंचता हो अपनी गुफ्तु में कमी लाने के जो वाकई ख्वाहिशमंद है उनके लिए अपनी बात की तनकीह यानी छानबीन करने और अपनी गुफ्तु बेजा या जरूरत से जायद लफ्जों और मुख्तलिफ़ खामियों से पाक करने नीस नुकसान दे, बल्कि फजूलियात की आमजश से बचाने के लिए अहियाल वुलूम से एक बेहतरीन नुस्खा पेश किया जाता है चुनाचे हजरतम हजरत सैदन इमाम महम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहा वाली के फरमाने वाला शान का खुलासा है गुफ्तु की चार किस्में नंबर एक मुकम्मल नुकसानदह बात नंबर दो मुकम्मल फ़ायदेमंद बात नंबर तीन ऐसी बात जो नुकसानदेह भी हो और फायदेमंद भी और नंबर चार ऐसी बात जिसमें ना फायदा हो ना नुकसान अगर वाकई ये चारों किस्में अगर हमें याद रह जाएं, तो इन इसकी बरकत से हमें काफी आसानी होगी बस पहली किस्म की बात जो कि मुकम्मल नुकसान दे, उससे हमेशा परहेज जरूरी है और इसी तरह तीसरी किस्म वाली बात जिसमें नुकसान और फायदा दोनों हैं यानी ऐसी बात जो नुकसानदेह भी हो और फायदेमंद भी इससे भी बचना लाजिम है और जो चौथी किस्म है ऐसी बात जिसमें ना फायदा हो ना नुकसान तो वो फजूलियात में शामिल है कि उसका ना कोई फायदा है और ना कोई नुकसान लिहाजा ऐसी बात में वक्त ज़ाया करना भी एक तरह का नुकसान ही है इसके बाद सिर्फ दूसरी ही किस्म की बात रह जाती है यानी जो मुकम्मल फायदेमंद बात यानी बातों में से तीन चौथाई यानी 75% फीसद तो काबिल इस्तेमाल नहीं और सिर्फ एक चौथाई यानी पच्चीस फीसद बात जो कि फायदा मंद है बस वही काबिले इस्तेमाल है मगर ख्याल रहे कि इस काबिल इस्तेमाल बात के अंदर भी एक बारीक किस्म की रियाकारी बनावट गिबत झूठे मुबालगे मै मैं करने के की आफत यानी अपनी फजीलत पाकिजगी बयान कर बैठने वगैरह वगैरह अंदेश हैं नीस फायदा मंद करते करते फजूल बातों में जा पड़ने फिर इसके जरिए मजीद आगे बढ़ते हुए इसमें गुना का इरतकब हो जाने वगैरह वगैरह खदशात शामिल हैं और यह शमूलियत ऐसी बारीक है जिसका इल्म नहीं होता लिहाजा इस काबिल इस्तेमाल बात के जरिए भी इंसान खतरात में घिरा रहता है चुप रहने में सो सुख है तू ये तजरीबा कर ले, कर ले, कर ले, कर ले। ए भाई जबां पर तू लगा कुफले मदीना कुछ इस्लाई भाइयों और मदीनी चैनल के नाजरीन पहले बात तोलता है फिर मुंह से बोलता है और बेवकूफ जो कुछ जी में आए बोलता चला जाता है चाहे इसकी वजह से कितना ही जलील क्यों ना होना पड़े जनाब हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं लोगों में मशहूर था कि अक्लमंद की ज़बान उसके दिल के पीछे होती है और वो बात करने से पहले अपने दिल से रुजू करता है यानी गौर करता है कि कहूं या ना कहूं अगर मुफीद होती है तो कहता है वरना चुप रहता है जबकि बेवकूफ की जुबान उसके दिल के आगे होती है कि इधर यानी दिल की तरफ रुजू करने की नौबत ही नहीं आती बस जो कुछ जबान पर आया कह देता है तो मीठे बेटे इस्लाई भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन याद रखिए, हमारे मीठे बेटे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी जबान हक के तर्जुमान से कोई फालतू लफ्ज अदा नहीं फरमाया और ना ही कभी कह कहा लगाया काश यह खामोशी और जोर से ना हंसने की सुन्नतें भी आम हो जाए ए काश हम बोलने से पहले तोलने के आदि बन जाएं। तोलने का तरीका यह है कि इससे पहले के अल्फाज ज़बान से अदा हो अपने दिल से सवाल कर लिया जाए कि इस बोलने का मकसद क्या है क्या मैं किसी को नेकी की दावत दे रहा हूं क्या ये बात जो मैं बोलना चाहता हूँ इसमें मेरा या किसी दूसरे का भला है मेरी बात कहीं ऐसे मुबालक से पुर तो नहीं जो मुझे झूठ के गुनाह में मुबतला कर दे झूठे मबालिके की मिसाल देते हुए सदरशरिया तरीका हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली अलैहि आल अल कबी फरमाते हैं अगर एक मर्तबा आया और यह कह दिया कि हजार मर्तबा आया तो यह झूठा है यह भी सोचे कि मैं कहीं किसी की झूठी तारीफ तो नहीं कर रहा किसी की तिब्बत तो नहीं हो रही मेरी इस बात से किसी का दिल तो नहीं दुख जाएगा बोलकर नदामत के सबब रुझू करने या सॉरी कहने की नौबत तो नहीं आएगी थूक कर चाटने यानी जोश में कही हुई बात वापस तो नहीं लेनी पड़ेगी कहीं अपना या किसी दूसरे का राज फाश तो नहीं कर बैठूंगा बोलने से पहले बात तोलने में अगर ये बात भी सामने आई कि इस बात में ना नफा है ना नुकसान और ना ही सवाब है ना गुना तब भी ये बात बोल देने में एक तरह का नुकसान ही है क्योंकि जबान इस तरह की फजूल और बेफायदा गुफ्तू के लिए जहमत देने के बजाय अगर ला महमद कह लिया जाए या दुरुस्त पढ़ लिया जाए तो यकीनन इसमें फायदा ही फायदा है और ये अपने अनमोल वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल है ऐसे अजीम फायदे का जाया होना भी लाजिमन नुकसान ही है जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे जबा रहे मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो मीठे मीठिया भाई और मदनी चैनल के नाजरीन फजूल गोई गुना ना सही मगर इसमें महरूमिया और काफी नुकसान मौजूद हैं लिहाजा अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि इससे बचना बेहद जरूरी है काश काश ए काश खामोशी की आदत डालने के लिए जबान पर कुफले मदीना लगाने की सदत मिल जाती हजरत सदना मुबरकली रहम तरमाते हैं कि एक ऐसा मामला जिसे मैं बीस साल तक हासिल करने की कोशिश करता रहा लेकिन पा ना सका मगर फिर भी उसकी तलब नहीं छोड़ी पूछा गया वो अहम चीज क्या है फरमाया खामोश रहना तो खामोशी के तलबगार को चाहिए कि जबान से करने के बजाय रोजाना थोड़ी बातें थोड़ी बहुत बातें लिख कर या इशारे से भी कर लिया करे इन शाह इस तरह खामोशी की आदत शुरू हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदिल्लाजल दावत इस्लामी की तरफ से अमीर अल सुन्नत दामद बड़का तो मरालिया ने अपने इस्लामी भाइयों को मदनी इनाम का गुलदस्ता जो फरमाया है उसमें एक मदनी इनाम यह भी है क्या आज आपने जबान का कुफले मदीना लगाते हुए फजूल गोई से बचने की आदत डालने के लिए कुछ ना कुछ इशारे से और कम अज कम चार बातें लिख कर की खामोशी आदत बनाने की कोशिश के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि फजूल गोई से बचने की कोशिश में चंद रोज कामयाबी मिली मगर फिर बोलने की आदत हसब मामुल हो जाए अगर ऐसा हो भी तो हिम्मत मत हारिए बार बार कोशिश कीजिए जज्बा सच्चा हुआ तो इनशा कामयाबी जरूर हासिल होगी मस्जिद हैं। खामोशी की आदत बनाने की मश्क करने के दौरान अपना चेहरा मुस्कराता रखें ताकि किसी को यह ना लगे कि आप उससे नाराज हैं जब तो मुंह फुलाया हुआ है तो यह भी ख्याल रहे कि खामोशी की कोशिश के दिनों में गुस्सा बढ़ सकता है लिहाजा अगर कोई आपका इशारा ना समझ पाए तो हर गिस उस पर गुस्से का इजहार न कीजिए कि कहीं बेजा दिल आजारी वगैरह का गुनाह ना कर बैठे और इसका भी ख्याल रखना है कि इशारे वगैरह से गुफ्तु सिर्फ उन्हीं के साथ मुनासिब रहती है जिनके साथ आपकी जहनी हम आहंगी हो या ना नामानुस आदमी हो सकता है कि इशारे वगैरह की गुफ्तु के सबब आपसे नाराज हो जाए लिहाजा उसके साथ जरूरत बातचीत कर लीजिए बल्कि कई सूरतों में जबान से बोलना वाजिब भी हो जाता है मसलन मुलाकाती के सलाम का जवाब वगैरह किसी से मुलाकात के वक्त सलाम भी इशारे से नहीं ज़बान से करना सुन्नत है यूं ही दरवाजे पर कोई दस्तक दे और अंदर से पूछा जाए कौन है तो जवाब में बाहर वाला मदीना खोलो मैं वगैरह ना कहे बल्कि सुन्नत यह है कि अपना नाम बताए आमिर सुन्नत फरमाते मजीद होठो से शिशिश शिश की आवाज निकाल कर किसी को बुलाना या मुतवज करना अच्छा अंदाज नहीं नाम मालूम होने की सूरत में मदीना कहकर भी नहीं बल्कि नाम या कुन्नियत से पुकारे के सुन्नत है कि अगर किसी इस्लामी भाई का नाम मालूम है तो अब आपने मदीना कहकर नहीं पुकारना बल्कि उन इस्लामी भाई का नाम लेकर पुकारना है या अगर वो कुन्नियत से मशहूर है तो अब उन्हें कुन्नियत से बुलाना है खानों और गंदी जगहों पर मदीना कहकर पुकारने से बचने की सख्त जरूरत है अगर नाम मालूम न ना हो तो उस मकाम के उर्फ के मुताबिक महजब अंदाज में पुकारा जाए मसलन हमारे माशरे में उमूमा नौजवान को भाई जान भाई साहब, बड़े भाई और उम्र रसीदा को चचा जान बुजुर्गों वगैरह कहकर पुकारते हैं बहरहाल जब भी किसी को पुकारा जाए तो मोमिन का दिल खुश करने के सवाब की नियत के साथ अच्छे में अच्छा अंदाज हो और नाम भी पूरा लिया जाए मौके की मुनासिब से आखिर में भाई या साहिब वगैरह का इजाफा भी हो और आप जिनको बुला रहे हैं अगर उन्होंने हज किया है तो हाजी का लफ्ज भी शामिल कर लिया जाए और जिसको पुकारा गया वो लब यानी मैं हाजिर हूं कहे अल्हम्दुलिल्लाह अज़ वजल दावत इस्लामी के मदरी माहौल में अक्सर किसी की पुकार पर जवाबन लबबे कहा जाता है जो के सुनने में बहुत भला मालूम होता है इससे मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल हो सकती है नेह साहिब-ए-इकराम अलैहि वरदवान का शानशाह खैरुल-अनआम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के याद फरमाने यानी बुलाने पर लब्बे के साथ जवाब देना में मज़कूर है इसके अलावा एक वलीयुल्ला के से भी इसका सबूत मिलता है चुनाचे करोड़ों हमलियों के अजीम हज़रत सदना इमाम अहमद बिन हम्बल से रहा पूछने के लिए इन्हें जब कोई अपनी तरफ मुतव करता तो आप राम अक्सर लब फरमाते मसनून दुआओं की मशहूर किताब हसन हसीन में है जब कोई शख्स तुझे बुलाए तो जवाब में कहे लब अमीर सुन्नत दामद बरकत मलालिया ने खामोशी की बरकत की तीन मदनी बहारें तहरीर फरमाइए जो कि ज़वज़ल आपकी बारगाह में पेश करने की शादत हासिल करूंगा इस्लाई बहन की तहरीर का लुबे लुबाब है दावत इस्लामी के शाह इदारे मकतबदल मदिया की तरफ से जारी करदा खामोशी की अहमियत पर मबनी सुन्नतों भरे बयान की कैसेट सुनकर मैंने जबान के कफिल मदीना की तरकीब शुरू की यानी खामोशी की आदत डालने का सिलसिला क्या तीन ही दिन में मुझे अंदाजा हो गया कि पहले में किस कदर फालतू बातें क्या करती थी अलहमदिल्ला की बरकत से मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब नजर आने लगे फजुल गोई से बचने की कोशिश के तीसरे दिन मैंने मकतबतुल मदीना की जारी करदा सुन्नतों भरे बयान की एक मजीद ऑडियो कैसेट बनाम इताअत किसे कहते हैं सुनी रात जब सईद तो अलहमदुल्लाजल कैसेट में बयान करदा एक वाकया मुझे ख्वाब में दिखाई देने लगा जंग का नक्शा था सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन की जासूसी के लिए हजरत हुसैफा रऊदी अल्लाह का रवाना करते हैं वो कुफार के खेमों के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कुफार के सरदार हज़रत अबू अब जो कि उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, खड़े हुए नजर आते हैं मौका गनीमत जानते हुए सईदैफा रौदी कमान पर तीर चढ़ा लेते हैं सरकार का हुक्म याद आता है

धुंधले नजर आ रहे थे लिखा है। उसल्लम का बहुत बड़ा कर्म हो गया बस मेरी तमन्ना है कि कभी भी मेरी जबान से कोई फालतू लफ्ज ना निकले आप दुआ कीजिए कि मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाऊ एक इस्लामी भाई ने अमीर अल सुन्नत को जो मकतूब भेजा उसका लुबे लुबाब है कि दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे में खामोशी के मुतालिक बयान सुनने से पहले मैं मदरी माहौल से वापसता होने के बावजूद बहुत फजूल गो था दुरुशरी की कोई खास कसरत ना थी जब से चुप रहने की कोशिश शुरू की है रोजाना एक हजार दरुद शरीफ पढ़ना नसीब हो रहा है वरना मेरा अनमोल वक्त इधर उधर की फजूल बखसों में बर्बाद हो जाता था बारह दिन में पढ़े हुए बारह हजार दरुद शरीफ का स्वाब आपको तोहफतन पेश यानी इस साल स्वाब करता हूँ। जो तो मीठे मीठे स्न भाई और मदनी चैनल के नाजरीन जो सुन्नतों का मुबलिक है उसे तो हर हाल में संजीदा और कम गो होना चाहिए जो बड़बड़िया बातूनी दूसरों की बात काटने वाला बार बार बीच में बोल पड़ने वाला बात बात पर बहस व तकरार करने और बाल की खाल उतारने वाला हो उसकी वजह से दीन के काम को नुकसान पहुंचने का सख्त अंदेशा रहता है क्योंकि खामोशी जो कि शैतान को मार भगाने का मदनी हथियार है इससे बदनसीब महरूम है हज़रत वसीयत करते हुए जान वारी वारी ने फरमाया खामोशी की कसरत को लाजिम कर लो कि इससे शैतान दफा होगा और तुम्हें दीन के कामों में मदद मिलेगी अल्लाह इससे पहले ई पे मौत दे दे अल्लाह इससे पहले ई पे मौत दे दे मेरे सबब से हो नबी का। मिटे मिटे भाई और मदनी चैनल के नाजरीन अब तीसरी बार आपकी बार का मैं अर्ज करता हूँ बेजरूरत बात हंसी मजाक और तू तड़ाक की आदत निकाल देने से घर में भी आपका वक़ार बुलंद होगा और जब घर के अफराद आपके संजीदापन से मुतासर होंगे तो इन पर आपकी नेकी की दावत बहुत जल्द असर करेगी और घर में मदनी माहौल ना हुआ तो बनाने में आसानी हो जाएगी जो दावत इस्लामी के खामोशी की अहमियत पर क्या हुआ एक सुनतों भरा बयान सुनकर एक इस्लाई भाई ने जो तहरीर दी अमीर सुन्नत को उसका खुलासा है सुन्नतों पर बयान में दी गई हिदायत के मुताबिक अलहमदिल्ला मुझ बातों आदमी ने खामोशी की आदत डालनी शुरू कर दी है सुबह अल्लाह इसका मुझे बेहद फ़ायदा पहुँच रहा है मेरा अबुल फसूल होने की वजह से घर के अफराद मुझसे बदसन थे मगर जब से चुप रहना शुरू किया है घर में मेरी पोजिशन बन गई है और खसूस मेरी प्यारी प्यारी माँ जो कि मुझसे खूब बेजार रहा करती थी अब बेहद खुश हो गई हैं क्योंकि पहले मैं बहुत बक्की था लिहाजा मेरी अच्छी बातें भी बेअसर हो जाती थीं मगर अब मैं अम्मी जान को जब कोई सुन्नत वगैरह बताता हूं तो वो ना सिर्फ दिलचस्पी से सुनती हैं, बल्कि अमल करने की भी कोशिश करती हैं। बढ़ता है खामोशी से वकार, ए मेरे प्यारे बढ़ता है खामोशी से वकार, ए मेरे प्यारे ए भाई जबा पर तू लगा